रोहतास जिले के घेनू ब्रह्म स्थान पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर एक अद्वितीय मेला लगता है। यहाँ का नजारा देखकर किसी का भी रूह कांप उठे। इस मेले में लोगों का मानना है कि इंसानों की शक्ल में भूत प्रेत घूमते हैं। यहाँ पहुँचने वाली महिलाएं और पुरुष अजीब हरकत करते हुए देखे जाते हैं। कहीं कोई औरत जोर जोर से सिर हिलाती नजर आती है, तो कहीं कोई महिला जमीन पर लेटकर प्रेत आत्माओं से मुक्ति पाने का प्रयास कर रही है। इस मेले में पूरे नवरात्रि के दौरान भूत प्रेत का खेल चलता रहता है। यहाँ आने वाले अधिकांश लोग गरीब और पिछड़े वर्ग के होते हैं, जो अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए यहाँ आते हैं। तांत्रिक और रुझान विशेष रूप से महिलाओं को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए विभिन्न प्रपंच रचते हैं। मेले में युवतियों और महिलाओं पर भूत के साय को उतारने के लिए उनकी पिटाई तक की जाती है। तांत्रिक उनके बाल खींच खींच कर पीटते हैं, जिससे उनकी कथित प्रेत बाधा दूर हो सके। घिन्नू ब्रह्म स्थान पर दूर दराज से आए लोगों का कहना है, यहाँ आने से उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तांत्रिक बाबा पूजा पाठ कर सारी बाधाएं दूर कर देते हैं। यहाँ ब्रह्म बाबा के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास अटूट है। घिन्नू ब्रह्म पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा और अंधविश्वास की झलक देखने को मिलती है। मेले में जगह जगह खुले बालों में रोती चीखती महिला, टेंट में झाड़ू फूंक करते तांत्रिक और बाधा दूर कराने को उमड़ी भीड़, यह बताने के लिए काफी है कि अभी भी लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि घिन्नू ब्रह्म में काफी शक्ति है और यहाँ आने से सारी समस्याएं दूर हो जाती। मेले में ओझा तांत्रिक खासकर महिलाओं को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए कई तरह का अनुष्ठान करते हैं। गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग ही इस मेले में अधिक दिखाई देते हैं, जो अपनी समस्याओं का समाधान पाने की आशा में यहाँ आते हैं। इन तांत्रिकों का कहना है कि वे पूजा पाठ और झाड़ फूक के माध्यम से लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। इस मेले में अंधविश्वास और वास्तविकता का टकराव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ एक ओर लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तांत्रिकों के पास आते हैं, वहीं दूसरी ओर यह मेला समाज में व्याप्त अंधविश्वास को भी उजागर करता है। तांत्रिकों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान और झाड़ू फूंक के क्रियाकलाप यह दर्शाते हैं कैसे अंधविश्वास का सहारा लेकर लोगों की भावनाओं और विश्वासों के साथ खेला जाता है। रायन वाली शायर के नाम पर यहाँ सारा आदमी जुटा है। घिन्नू ब्रह्म गोदावरी के नाम पर प्रसिद्ध है, मगर यहाँ जब आते हैं हम बड़ा नाम सुनकर यहाँ आए। ये क्या कर रही है? ये खिला रही है। अच्छा। अब खिला रही है, अब कौन चीज खिला रही है तो बोलेगी तभी ना। हाँ, इसका भूत पकड़ा है। अच्छा। इसका भूत पकड़ा है, मगर उसको निदान होगा तब ना कहेंगे कि यहाँ ठीक है। यहाँ तो यार हमको तो कुछ नहीं व्यवस्था यहाँ मिल रहा है, वही व्यवस्था मिल रहा है कि नहीं। यहाँ आने से देखिए हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई ठीक की संभावना नहीं है। यहाँ आई है जैसे कि कोई के बात सुन कर के वहाँ धाम में अच्छा अच्छा काम होता है, जस मिलता है, मगर यहाँ जस नहीं है। यहाँ जस नहीं, जस तो वही है कि देखिए कौन सा मेला है? घिन्नू ब्रह्म का मेला है। क्या नाम है आपका? हमारा राम, राज बलि राम। भूत भगाया जा रहा है, जिसको प्रेत जो नहीं कहा जाता है। किसी किसी लोगों को प्रेत पकड़ लेता है किसी तरह से, तो उसको ओझा गुनी या देवास जो लगाता है, देवसिया अपने मंत्र तंत्र से यहाँ के बाबा के इकबाल से उस चीज को हटा करके उस व्यक्ति का देह सुवर्ण करते हैं, उसका कष्ट का निवारण करते हैं। यही चीज यहाँ हो रहा है। यहाँ पर बहुत पुराना आने के बाबा का आशीर्वाद है, बहुत दिनों से मेला लग रहा है। इस मेले में मैंने तो करीब 40 वर्ष से आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी मेला लग रहा था। जो हमसे बुजुर्ग लोग थे वो बता रहे थे, मैंने भी इसी पीड़े में पीड़ित होकर इस दरबार में आया था। भूत भागते तो जरूर है, अगर भागते नहीं तो इतना बड़ा मेला होता नहीं। कुछ ओझा गुनी का बल और कुछ बाबा का बल अकबाल, और जो भी गुनिया लोग बाबा के स्थान में ब्रह्म हो या 50 हो दे देते हैं, या शायर के लात में मरी वगैरह छोटी जात जो है उसको दे देते हैं, वो शायर कब्जा रखती है। जब तक गुनिया अपने मांग नहीं लेता है फिर तब तक वो कब्जा रखती है। बाबा मेला कब तक लगता है?
मेला नौमी और दशहरा में लगता है, इसके बाद सोमवार और शुक्र को लगता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो वशिष्ठ नारायण होगा।